नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ बुशरा। और चलिए अब आपको सबसे पहले रायपुर लिए चलते हैं, जहाँ सीएम भूपेश बघेल गांधी और आधुनिक भारत विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन कर रहे हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित ये कार्यक्रम किया जा रहा है। रविशंकर विश्वविद्यालय और अजीज फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है ये कार्यक्रम। राष्ट्रीय कार्यशाला 11 सितंबर से 10 सितंबर तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम स्वागत करते हैं उन मेहमानों का, उन वक्ताओं का जो हमारे लिए उपलब्ध है और मंजूरी है। हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हमारे बीच मौजूद हैं। अपने व्यस्तम समय में से उन्होंने यहाँ आने के लिए सहर्ष स्वीकृति दी और इस पूरे सत्र में वो हमारे साथ रहेंगे। मैं अजीत बेदी फाउंडेशन और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और हमारे मार्गदर्शक श्री शरद चंद्र बिहार जी, जो लगातार इस कार्यक्रम को लेकर पिछले 3 महीने से हमारे साथ करने से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और हर समय उन्होंने हमारा इस कार्यक्रम के लिए हौसला अफजाई किया है। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री अपूर्वा दत्त जी का, वो भी काफी व्यस्त है और बहुत मुश्किल से उन्होंने एक दिन के लिए समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। हम लगातार सभी साथियों को हमेशा सुनना चाहते हैं, तो मैं पूर्वानंद जी का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और मैं यहाँ आने का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि अमरनाथ राय जी, जो सर्वोदय नेता है और चांदी वाली है, चांदी के साथ उनके कुछ संस्कृत जुड़े हैं। हमारे साथ सीता बाई कैसे जी हैं, उन्होंने भी चांदी के साथ काम किया है और चांदी के अंतिम समय से उनके साथ भी हम अमरनाथ राय जी का और सीता बाई कैसे जी का भी स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। इस विश्वविद्यालय के कुलपति जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सहर्ष स्वीकृति दी, हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजन के हिस्सेदार बने और इस कार्यक्रम की निरंतरता लगातार विश्वविद्यालय में बनाए रखने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए हैं। मैं माननीय कुलपति महोदय केशव सावकर जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करते हैं। हमारे बीच विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री गिरीश राम पांडे जी उपलब्ध हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि रिया ने कहा कि इस कार्यक्रम का परिचय रखें, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के बारे में बापू की माँ बापू की 150वीं और सार्वजनिक वर्ष के अवसर पर तो ये खुद बरूद इस कार्यक्रम का परिचय दे रहे हैं। हमने से मैं पीछे देख रहा हूँ कि हमारे श्रीमान साथी बैठे हैं और यहाँ कुछ साथी के नीचे बैठे हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि अधिकांश लोग जो है इन्होंने गांधी को नहीं देखा। टेक्स्ट में लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ टेक्स्ट का नंबर बता रहा हूँ। मंच पर बैठे हैं उनको छोड़ के, चल कुछ साथी और नीचे बैठे हैं उनको छोड़ के। और इसके अलावा गांधी याद करने के हमारे तरीके हैं या जिसके माध्यम से गांधी के बारे में कुछ हम जानते हैं, वो कुछ कुछ चीजें हमारे बीच मौजूद हैं। कुछ मूर्तियों के रूप में, कुछ स्मारकों के रूप में, कुछ इन्वर्टेड कॉमा में चश्मे के रूप में। और जब हम इन सभी चीजों को देखते हैं तो लगता है या संदेह होता है कि क्या गांधी इस देश के थे या गांधी किसी देश में पैदा होता।
मुझे एक कहानी याद आ रही है कि कभी हमने पढ़ा था कि चल पड़े सिद्धांत दो डर मत पाद चल पड़े मोटी जन खुशी हो। लेकिन आज लग रहा है कि हम गांधी की विरासत को गांधी के विचार को गांधी की आवाज धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं या बुलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गांधी आज अकेले खड़े दिखाई पड़ते हैं और ऐसे वैचारिक आक्रमणों से घिरे हैं जिसके बारे में हम यहां पर लगातार चिंतित कर सकते हैं। गांधी के सभी विचारों से सहमत हो कभी जरूरत नहीं है और किसी के भी विचार से हम कभी भी पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकते। सहमति और असहमति का अपना दायरा है उसके अपने क्षेत्र है। लेकिन जब हम निश्चय करते हैं कि ये जो असहमतियां और उसे विचार नहीं करना चाहते तो हमको लगता है कि कई बार कि हम ज्ञान पूछकर एक वैज्ञानिक असंगति या आत्मविरोध से गुजरते हैं और उसमें गुजरते हुए सबको लगता है कि वैचारिक आत्मभाव कर और कई बार इसे अहंकार हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में हमको लगता है कि बार बार आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। गांधी ने भी अपने विचारों को लेकर बार बार आत्मनिरीक्षण किया उसको दोबारा से विकसित किया और नई विचार करने को करते रहे। इसलिए गांधी को उनके चुने हुए पसंद के तथ्यों की मोदी में नहीं बल्कि समग्र विकास के दायरे में देखने समझने की जरूरत है। अगर गांधी के उन वैचारिक सिद्धांत थे उन वैचारिक सिद्धांतों को देखे और समझे तो सत्य अहिंसा और स्वराज उनके मुख्य वैज्ञानिक सिद्धांत थे और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने लगातार अपनी साथ तक आजादी की लड़ाई लड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ गांधी के कारण हमारा देश आजाद हुआ। उनके विचारों से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए और
बातें होंगी जिसके माध्यम से हम अपने समाज को आगे बढ़ाते जाएंगे, उसको करते जाएंगे। इस मुख्य चर्चा में हमने स्वराष्ट्र के जो अलग अलग आयाम, राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम, शैक्षणिक, इन चार पांच मुद्दों पे पांच सत्रों में चर्चा करेंगे। देश के जाने माने विशेषज्ञ अवस्था हमारे बीच इन तीन दिन में हमारे बीच में होंगे और तीसरे दिन के अंतिम सत्र में गांधी की दो बार छत्तीसगढ़ दो बार की यात्रा रही, उन दोनों बार की यात्रा का संस्मरण भी हम आप साथियों के साथ साझा करेंगे। हमें उम्मीद है कि सभागार में जो भी लोग बैठे इन तीन दिन की चर्चा के बाद अपने अपने स्तर पर अपने जीवन में या अपने आसपास इन विचारों को देकर जो प्रयास किए जा सकते हैं वो विचार आप जरूर करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी का अपना हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। इसके पश्चात बैठक की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। मैं माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा से अनुरोध करती हूँ कि आयोजन की विषय वस्तु पर प्रकाश डाल हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। आदरणीय कुलपति महोदय, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर एवं कहीं से फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर गांधी और आधुनिक भारत विषय पर 11 से 13 सितंबर तक आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि यशस्वी मुख्यमंत्री रंजन केतरी माननीय उपेन्द्र बढ़िया जी, मुख्य वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर अपूर्व आनंद जी, अध्यक्षीय वक्ता पूर्व सचिव मध्य प्रदेश श्री शरद चंद्र निगार जी, विशिष्ट अतिथि सदस्य सेनानी जी मंत्री राजाई चित्ते जी एवं सरोजी नेता श्री अमरनाथ भाई जी, विधायक मिनिस्ट्री श्री विकास उपाध्याय जी, अजीम जैन फाउंडेशन के राज्य प्रमुख श्री सुनील कुमार शाही, सम्मानित अतिथिगण, अध्यापक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के साथियों, स्वेच्छा छात्राओं, आप सबका हमारे विश्वविद्यालय परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 19वीं सदी क्या उनका एक समय था जब अंग्रेजों ने इस बात पर अटूट विश्वास चला था कि वे भारत पर कई सदियों का राज करने वाले थे। उसी समय एक व्यक्ति थे सर जॉन स्ट्रेचिंग। सर जॉन स्ट्रेचिंग ने अंग्रेजों को भारत पर राज कायम करने में बहुत मदद की। उन्होंने यूनिवर्सिटी में कई व्याख्यान दिए, विशेषकर सन 1898 में दिए गए व्याख्यान का सार चल रहा कि अतीत में भारत आसमान की कोई चीज ही नहीं और न भविष्य में ऐसा होने की संभावना। ऐसा सोचने वाले अकेले नहीं थे, क्योंकि आज कितने जैसा साहित्यकार और विश्व संचित जैसा राजनेता की ऐसा ही सोच रहे थे। जो याद कितनी ने कहा कि अगर भारतीयों को सलाह न किया जाए तो अराजक फैल जाएगी। चर्चित तो 20वीं सदी के चर्चिल के दशक में ही सतत अमरीकी राज का सपना देख रहे थे। वे कह चुके थे कि अगर ब्रिटिश चले गए तो हिंदुस्तान क्यों पहले ही बलबड़ता और मध्युगीन लूट खसूट में वापस चला जाएगा। भारत एक सांस्कृतिक विरासत वाला देश है, लेकिन सच है कि यह दुनिया के सर्वाधिक सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विविधताओं और विषमताओं का देश भी है। भारत की यह विविधता यूरोप के सारे देशों की विविधता से भी अधिक है। वे मोहनदास करमचंद गांधी जी थे जो ऐसी विविधताओं से हर देश को एक दृष्टि से देख रहे थे। उनके मन में और उनकी योजनाओं में
इतनी बड़ी वीडियो में जमुना ने किया है, हर भूमिका और मानवीयता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गांधी जी के जीते जी जिन लोगों ने धर्म और राजनीति को मिला भारतीय संस्कृति बनाने की कोशिश की, उनके ही वंशज आज गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिन लोगों ने गांधी के खिलाफ अनगिनत षड्यंत्र किए और सत्ता उनको हमसे छीन लिया, उनके ही वंशज आज गांधी की हत्या का महिमा मंडन कर रहे हैं। अंग्रेज जिस वीरता से हमारी वीरता को हमारी कमजोरी मानते थे, उसे हमने अपनी ताकत बना लिया। यह स्थिति चिंतित करने वाली है कि उसी वीरता को घेर कर, उसी के बीच हाई कोर्ट पर राजनीति करना एक नया दौर शुरू हो गया है। हमारे खान पान तक पर सवाल पूछे जाने लगे और वाद विवाद को भी समाप्त कर देने का नया सिलसिला शुरू हो गया। गांधी विश्वास की राजनीति के हिमायती थे, लेकिन आज विश्वास को राजनीतिक हथियार बनाने का नया सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसा लगता है कि हम हिटलर और मुसोलिनी की हिमायत करने लगे हैं। कई बार तो यह लगता है कि हम चर्चित को सही साबित करने में जुट गए हैं कि हम फिर से बर्बाद हो सकते हैं और मध्युग की अराजकता की ओर लौट सकते हैं। लेकिन विश्वास की परंपरा पर हमारा विश्वास अटूट है। हम अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हमें असहमतियों के बीच सहमति बनाने की अद्भुत ताकत है। गांधी ने अपने लेखन में, अपने वचन में सत्य और अहिंसा को सबसे अधिक रविशंकर विश्वविद्यालय में एक खासा कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें मौजूद है।